जय श्री राधे भक्तों। श्रीमद् भागवत के 29वें अध्याय को जाना जाता है उद्धव गीता के नाम से। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्णचंद्र जी की सेवा में रहे, लेकिन उन्होंने कृष्ण जी से कभी कुछ नहीं मांगा, न कोई इच्छा जताई, न कोई वरदान मांगा। जब कृष्ण जी अपने अवतार काल को पूर्ण करके गोलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में सभी लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए अनेक प्रकार के, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। कुछ तो मांगो, अब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हारा भला करके मुझे संतुष्टि होगी। उद्धव जी ने इसके बाद भी श्री कृष्णचंद्र जी से कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण की शिक्षाओं और उनके कृतित्व को देख करके उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश अलग थे, जबकि व्यक्तिगत जीवन में कुछ अलग ही दिखता था। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वो भगवद गीता थी। आज जो तुम जानना चाहते हो और जिसका मैं उत्तर दूंगा, वो उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण से मैंने तुम्हें ये अवसर दिया, तुम बेझिझक होकर पूछो। उद्धव ने फिर पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण जी ने कहा, सच्चा मित्र तो वो है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना कुछ मांगे मदद करे। उद्धव ने फिर पूछा, कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय मित्र थे, बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया, आप महाज्ञानी हैं, आप भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, लेकिन आपने एक सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी, आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका ही नहीं। चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे, आप कम से कम उन्हें धन राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों की सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पांसे धर्मराज के अनुकूल तो कर सकते थे, इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया, लेकिन ये दावा भी आप कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है, एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपदा बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव जी का गला रुंध गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं थे, महाभारत पढ़ते समय हर व्यक्ति के मन में ये सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की तरफ से ही श्री कृष्ण जी से ये प्रश्न किए। अब इन प्रश्नों को सुनकर के श्री कृष्णचंद्र जी मुस्कुराए और बोले, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं, यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्युत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया और यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उनके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए मैं उन्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता की एक और बड़ी गलती की।
और वो ये कि मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए। वे सब के सब बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा करने का अवसर मिला। मुझे जैसे ही पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब स्थिति में मेरी क्या गलती, बताओ? उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली जरूर है, लेकिन मुझे पूरी संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण जी ने अनुमति दिया। तब उद्धव ने पूछा, इसका अर्थ ये हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाए। क्या संकट से घिरे हुए अपने भक्त की मदद करने आप स्वयं नहीं आओगे? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल पर आधारित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो कुछ हो रहा है उसे देखता रहता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। तो इसका अर्थ हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े होकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बन करके हमें देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर भी तुम कुछ कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान ये था कि उन्होंने मान लिया कि मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकते हैं वो। अगर उन्होंने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित होता हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हम ये प्रयास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया। तो भक्तों, ये थी उद्धव गीता। नमो नारायण।